अब एशिया कप के बारे में बात कर लेते थोड़ी देर, हाँ। क्योंकि हमने बाकी सारी बात कर ही ली है। एशिया कप की ब्रेकिंग दे रहे हैं जी आपको, रक्षित ने भी आपको ब्रेकिंग दी थी, देख रहा था ऑलमोस्ट 1000 लोग तो वहां पे भी हमें देख रहे थे। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, रक्षित ने आपको एकदम से ब्रेकिंग दी। अब एशिया कप के बारे में यही सुनाई दे रहा है कि 4 मैचेस जो पाकिस्तान चाहता था वो पाकिस्तान में हो रहे हैं और बाकी के 9 मैच श्रीलंका में जाके हो रहे हैं। लक्षित आप प्लीज अपडेट दीजिए उसके बाद। पूरा अपडेट इसके ऊपर जी ये है कि जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपके प्रेसिडेंट जेशा साहब और वाइस प्रेसिडेंट जो है पंकज खिलजी साहब, उनके अगुवाही के अंदर इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। कारण उन्होंने ये भी बताया है क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा था एक्सेप्ट एशिया कप को कैंसिल करने के। तो बेस्ट हित में, जो ब्रॉडकास्टर्स के भी हित में रहे, पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है। 4 मुकाबले इसके पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में 4 मुकाबले होंगे, 9 मुकाबले जो है वो पालेकेले स्टेडियम श्रीलंका में मोस्ट लाइकली वो मैचेस आपके बच्चे होने वाले। ये हमने बहुत बार बात करी थी कि हाइब्रिड मॉडल वो प्रपोज कर रहे हैं, नजम सेठी भी प्रपोज कर रहे हैं। इसमें क्या था कि उन्होंने बोला था लाहौर में करा लो चार मैच लाहौर में करा लो। 4 कौन से मैच? पाकिस्तान के 4, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एंड इंडिया। पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है ना। तो 4 मैच जो पाकिस्तान वाले थे वो पाकिस्तान में लाहौर में होंगे। उसके बाद चार्टर्ड फ्लाइट से पाकिस्तान ने ऑफर करा था कि हम श्रीलंका लेके जाएंगे और बाकी सारे मैच श्रीलंका में होंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि मंडे ट्यूसडे को ऑफिशियल कमेंट भी मिल जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। ये भी सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद में नॉकआउट मैचेस खेलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप के लिए आने के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि उनको अहमदाबाद में सिर्फ नॉकआउट मैच ही खेलने हैं, बाकी मैचेस नहीं खेलने हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि मंडे को आईसीसी के जो वर्ल्ड कप के स्केड्यूल है उसे भी अनाउंस कर दिया जाएगा, मंडे को ऑफिशियली आ जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई भी वेन्यू हो उसमें किसी भी तरह की असमंजस नहीं है। और जहां पर बात रही कि पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि जो बाकी टीमों के ग्रुप के मैचेस हैं वो भी पाकिस्तान में हो सकते हैं या सिर्फ पाकिस्तान के मैच वहां पर होंगे, उसके ऊपर पूरी सफाई अभी ट्यूसडे को आएगी जब ऑफिशियल स्टेटमेंट एसीसी की तरफ से आएगा। ये है कि अगर पाकिस्तान अपने आप होस्ट करवा रहा है तो पाकिस्तान अपने मैचेस वहीं पर रखेगा, बोलेगा कि होम क्राउड को देखना है पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए विद अदर टीम्स, यही पहले भी बोला गया था। अब बात यह है कि ये अगर डिसीजन लिया गया तो बहुत अच्छा डिसीजन, कोई यहाँ पे झुकने वाली बात नहीं। आई थिंक जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हाइब्रिड मॉडल में किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। और पाकिस्तान, आप देखो आप हाइब्रिड कर रहे हो, आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, बट पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है इंडिया। सबसे ब्रॉडकास्टर का भी फायदा है, स्टार स्पोर्ट्स जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं उनका भी फायदा है, इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी का भी फायदा है कि लड़ाई झगड़े नहीं करें आपस में, है ना, कि हम नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे। एशिया कप विदाउट इंडिया पाकिस्तान क्या होएगा यार, मजा ही नहीं होएगा आपको। तो एशिया कप में मजेदार तरीके से होए, हाइब्रिड मॉडल मुझे पहले भी, जब आपको याद होगा कल भी अली को जोड़ने की कोशिश करेंगे, बट आपको याद होगा सवेरा और अली के साथ मैंने शो करा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सुशांत आपको बताइए कि क्या दिक्कत है हाइब्रिड मॉडल में, तो मैंने बोला था कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं जाना पाकिस्तान, बाकियों को जाना है तो जा सकते हैं। और अगर पाकिस्तान खुद ही प्रपोज कर रहा है कि भाई अच्छा आपको नहीं आना, हम एक सोल्यूशन दे रहे हैं कि चारों टीम्स आकर पाकिस्तान में खेल ले, है ना, बाकी की इंडिया ना खेले, हम अपने मैच जाके श्रीलंका में खेल लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वनडे इंटरनेशनल के 50-50 ओवर के मैच है, श्रीलंका भी खुश, पाकिस्तान भी खुश, इंडिया भी खुश, नेपाल बहुत खुश क्योंकि नेपाल का पहला है, अफगानिस्तान भी खुश, तो इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है अगर ये डिसीजन ले लिया गया है। सो इट्स वेरी वेरी गुड। और पीसीबी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत जल्दी पाकिस्तानी साइड से भी बात करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा, बट मेरे हिसाब से हित के लिए अच्छा है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एसीसी का जो स्टेटमेंट आया ना भाई वो भी ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। पॉजिटिव न्यूज़ में आप जा नहीं सकते, यूएई में गर्मी सबसे ज्यादा है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई दोस्त हमें कमेंट सेक्शन में कह रहे थे भाई पिछला सितंबर में तो आपने करवा लिया था भाई, वो T20 था, शाम को सिर्फ 20-20 ओवर खेलने आसान है, लेकिन एक दिन में 100 ओवर खेलना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना इन यूएई। इसी के चलते आप श्रीलंका में आ रहे हो जहां पे खेलना ठीक है और वही आप एक बेटर जो वे आउट निकाल रहे हो अच्छा रहने वाला है। पर दो यहां पर भी एंगल सामने आ रहे हैं, यहाँ तो जो आपके सुपर फोर के मैचेस हैं वो आपके सारे श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाकी मैचेस वो हो जाएंगे। लॉजिस्टिकल इश्यू इसके अंदर इसलिए बढ़ रहा है, ये खबर अब सामने आ रही है
जो मोस्ट लाइकली लग भी रहा है कि शायद थोड़ा फॉर्मेट बदला जाए, क्योंकि अब देखो तीन ग्रुप क्या, ग्रुप दो बने हुए हैं, एक में पाकिस्तान इंडिया नेपाल है, एक में श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान है। इंडिया नेपाल इंडिया पाकिस्तान तो खेलेगा नहीं शुरू में, नहीं मेरी पूरी एक मेरी बात सुनो, ये दो ग्रुप है आपके, पाकिस्तान इंडिया नेपाल बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका। आप कह रहे हो कि पहले चार मैच हम पाकिस्तान में करवा के फिर सारा लॉजिस्टिकल सामान उठा के श्रीलंका चले जाएंगे, पर इसके इसके अंदर तो जो ग्रुप चेंज करना पड़े कुछ होगा, क्योंकि फिर तो उस हिसाब से पाकिस्तान का सिर्फ नेपाल से जो मैच है वही पाकिस्तान में पाएगा, अगर अभी आप इसी मॉडल से चलते हो तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान नेपाल का एक मैच, अफगानिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश श्रीलंका और अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच, पीसीबी चाहेगा कि सारे मैचेस जो है चारों मैचेस जो है वो वहीं पर हो, पाकिस्तान में वो बाहर चेंज करेंगे, चारों करवा के खत्म करेंगे, टर्बो की सुपरचार्ज दिखा।